मौलाना शहजादा मोहम्मद एहसान उल हक साहब जो बंगी से तशरीफ लाए हजरों से जामिया मेहताबुल उलूम से वो भी तशरीफ ले आए। तो हमारे आज की जो इस जामिया के फारिग उल तहसील होने वाले तलबाओं में से पहले हाफिज हैं वो हाफिज बिशारत वल्दे मोहम्मद रबनवाज जो तौशेहा से ताल्लुक रखते हैं और इन्होंने कुरान मजीद हिफ्ज मुकम्मल किया तो वो ये सनद उस्तादी से उसूल करते हैं। मैं हाफिज मोहम्मद बिशारत साहब को और इनके तमाम खानदान को बिलखसूस इनके वालिद मोहतरम और इनके चचा जान और जितने भी इनके फैमिली के खानदान के अफराद यहाँ पर तशरीफ लाए उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे दूसरे जो हाफिज हैं इनके साथ हजरत अल्लामा अब्दुल रहमान जामी साहब भी तशरीफ लाते हैं और वो भी इस बच्चे को हाफिज मोहम्मद उस्मान वल मोहम्मद सुलेमान जो सालार गांव से ताल्लुक रखता है और उस बच्चे का हिफ्ज मुकम्मल हुआ तो आज उसको सनद फरागत दी जाएगी। मैं मोहम्मद उस्मान और इसके वालिद मोहतरम और इसके खानदान के जितने भी अफराद यहाँ पर तशरीफ लाए सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके बेटे को मजीद कामयाबियों से इम्तियाज फरमाए। तीसरे जो हमारे तालिबे इल्म जो आज फारिग हो रहे हैं हाफिज मुज़फ्फर वल मोहम्मद अब्दुल सत्तार ये दो शर्फा से ताल्लुक रखते हैं तो आज इनकी भी दस्तार फजीलत है जी। अब तशरीफ लाते हैं हमारे जामिया के जो मुदर्रिस हैं हजरत अल्लामा मौलाना कारी अस्मतुल्लाह ओवैसी साहब वो भी तशरीफ लाते हैं और अपने अजीज तालिबे इल्म को सनद अदा करते हैं जी। जामिया कादरिया हकानिया से हजरत अल्लामा हाफिज मोहम्मद नासिर साहब तशरीफ लाए और हजरत अल्लामा कारी मोहम्मद अनीस साहब तशरीफ लाए हैं अगर वो पीछे तशरीफ फरमाएं तो आगे आ जाएं। कारी मोहम्मद अनीस साहब हाफिज बतार अहमद वल मुख्तियार अहमद ये महल्ला गुलजारे मदीना से ताल्लुक रखते हैं और इस बच्चे ने एक साल में मेरे वालिद गिरामी का विसाल हुआ 40वां जब गुजरा तो ये बच्चा हमारे दार रूम में दाखिल हुआ। एक साल में इसने पूरा कुरान मजीद हिफ्ज किया है और 18 पारे इसके रमजान में मुकम्मल हुए थे तो 18 के 18 पारे इसने रमजान में इस जामिया के अंदर सुनाए दिए हैं। हाफिज वकार अहमद मैं हाफिज वकार अहमद और इसके तमाम खानदान के अफराद को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारा पांचवा जो तालिबे इल्म है मोहम्मद अंजम नूरानी वल हाफिज मासूम इलाही हजरत अल्लामा हाफिज अब्दुल गनी साहब वो स्टेज पर तशरीफ लाए और हजरत अल्लामा हाफिज तुफैल अहमद साहब वो भी तशरीफ लाए। अंजम नूरानी ये बात जरा गौर से सुन लें कि इसके वालिद गिरामी हजरत अल्लामा हाफिज मासूम इलाही साहब ये तशरीफ फरमा है इन्होंने भी इस दरसगाह से मुकम्मल हिफ्ज किया और आज इनके बेटे ने भी इसी दरसगाह से पूरा किराए को तजवीज करके मुकम्मल नाजा खत्म किया और यही हमारा बेटा एक आज चंद दिन पहले 6-7 दिन पहले हमारी तहसील वाइज काउंसिल हाल में मुकाबला हुआ था उसमें किराए का तो इस बच्चे ने पूरी तहसील अटक में पहली पोजीशन किराब में हासिल की है। तो इसके वालिद गिरामी हजरत अल्लामा हाफिज मासूम इलाही साहब को और इसके तमाम खानदान वालों को मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। आखिरी हमारे जो छठे नंबर पर बच्चे हैं जिन्होंने किराब को तजवीज किया हजरत अल्लामा क्योंकि ये चौथे साल के अंदर जामिया कादरिया हकानिया अटक सिटी में दर्से निजामी कर रहे हैं मेरे बराबर अकबर हजरत अल्लामा हाफिज मुनीर अहमद गोदवी साहब के ये बेटे हैं मेरे भतीजे हैं मेरे वालिद गिरामी के पोते हैं और इन्होंने हमारे इस दरसगाह में एक साल का किराए का तजवीज कोर्स किया और नाजरा मुकम्मल किया हजरत अल्लामा हाफिज अताउल मुस्तफा मुनीर वल हाफिज मुनीर अहमद। मैं इस बच्चे को भी इसके वालिद गिरामी को भी
और तमाम खानदान वालों को मुबारकबाद पेश करते हैं। मेहरबानी दोस्तान मोहतरम, हमारी इस दरसगाह में पहले यानी कि किबला वालिद गिरामी खुद आप तदरीस फरमाया करते थे। जब आपका विसाल हुआ तो आज तक के माहौल के मुताबिक हमने एक कारी का बंदोबस्त किया।